अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स, इसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरीवेटिव निकालना है। जब हम डेरीवेटिव निकालेंगे फिर हमने इसमें पॉइंट पुट करना है एक्स इक्वल टू 2, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू जो वो पुट कर देंगे। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है y is equal to x square plus 1 divided by x minus 1। डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, हमारा जो वेरिएबल है वो x है ऑन बोथ साइड और डिपेंडेबल जो कि y है। तो d divided by dx into y is equal to d divided by dx into, ये हमारे पास x square plus 1 divided by x minus 1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिवीजन फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाना है। तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा लगेगा क्वेश्चन रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे न्यूमिरेटर जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आ जाएगा माइनस का साइन और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर की पहले वैल्यू एज इट इज रहेगी और अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का जो कि एक्स माइनस 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो न्यूमिरेटर की वैल्यू है, एक्स माइनस 1 जो है वो डिनोमिनेटर की। इसी तरह एक्स माइनस 1 जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो अपने डिवाइड में ही हमारे डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर के फॉर्मूले में स्क्वायर ले लेना उसका, ठीक है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एक तो एक्स माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ पर आप पावर रूल ले सकते हैं डायरेक्ट भी, अलग अलग डेरिवेटिव लगा लें या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे कि आपको पता है पावर शुरू में एक्स आप लिखते हैं पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने उसी बेस एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस कॉन्स्टेंट का आपका डेरिवेटिव हो गया जीरो। इस तरह से माइनस और आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आ गया एज इट इज, और यहाँ भी आपने एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो गया जीरो, और होल डिवाइड बाय नीचे आपके पास एक्स माइनस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका एक्स माइनस 1 आ गया और इसके अंदर आपके पास 2 आ गया, एक एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है, प्लस 0 खत्म। सो माइनस में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट्स के अंदर और माइनस 1 का आपको पता है कि ये भी वैसे ही बन रहना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, और होल डिवाइड बाय नीचे आपके पास x माइनस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहां पर 2x 1 द 2x किया तो x से मल्टीप्लाई किया था, 2x का हो जाएगा स्क्वायर एंड माइनस 2x 1 द 2x आ गया, और इस साइड पर हमारे पास माइनस में x स्क्वायर है और साथ में ही माइनस में 1 भी है, एंड डिवाइड बाय नीचे हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक हमारे पास यहाँ पर जो है ना 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल गया तो सिंपल एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस में 2x है और माइनस 1 है और डिवाइड बाई नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये इसमें कोई पेयर्स तो नहीं बन रहे, तो डेरिवेटिव देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है। 13 में यहाँ पर जो है इसने आंसर माइनस 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ इसमें कटिंग होगी, माइनस में 1 आ रहा है, तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं ऊपर ए स्क्वायर, लेकिन माइनस का यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले मैं इसको एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास फॉर्म क्या बन रही है। सो 2x स्क्वायर हो गया और माइनस में 2x आ गया, और माइनस में ये एक्स स्क्वायर है और प्लस माइनस में ये 1 हो गया, ठीक है। तो वैल्यूज में यहाँ पर माइनस 1 कैसे आया ये देखना पड़ेगा, माइनस में 1 है तो एक ही दो के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें माइनस 1 जहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, तो ये प्लस 1 क्यों नहीं आया ये देखना पड़ेगा। क्या हमारे फॉर्म में क्वेश्चन मुझे एक बार देख लेने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, नहीं 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 मिस्टेक ये हुई है, माइनस 1 तो आना है, ये हमारी फॉर्म बिल्कुल ठीक आ चुकी है, लेकिन आपको पता है कि हमने पूरे क्वेश्चन के एंड में देखा था कि हमने एट लिखना है x इक्वल टू 2, तो फिर ठीक है क्वेश्चन आपने बस यहाँ पर आप पुट करना है x इक्वल टू 2, ये मैं भूल गया था, इसलिए आंसर माइनस 1 जो नहीं आ रहा था। अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है पूरे सवाल में, तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने ये पुट करना है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 और माइनस में आ गया 1 और डिवाइड बाय माइनस 1 का हो जाएगा होल। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, आप देख सकते हैं 2 टू द 4 माइनस 2 टू द 4 और माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4 4 से कैंसिल।
और आपको पता चल गया यहाँ पे कि dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू पर माइनस में वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो माइनस वन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हाफ।